हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहन, सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं कल मार्केट का मूड कैसे हो सकता है, कौन से लेवल हम ट्रेड कर सकते हैं, इंट्राडे के लिए बेस्ट स्टॉक का सिलेक्शन करते हैं, कब कहाँ और कैसे ट्रेड करेंगे। दोस्तों आज संडे है तो सबसे पहले वीकली और मंथली चार्ट देखेंगे, फिर डेली आर्ली और 5 मिनट देखेंगे। डेली चार्ट में मार्केट पॉजिटिव हुआ है और अगर आप वीकली चार्ट में बैंक निफ्टी को देखें तो इनसाइड पैटर्न बनाया हुआ है। इनसाइड का ब्रेकआउट आएगा इस कैंडल के ऊपर, इस रेड कैंडल के ऊपर, मतलब 34,400 के ऊपर। जब मार्केट टॉप से गिर रहा था दोस्तों, तो मैं आपको बताया था, अगर लगातार मेरे वीडियो को देखते होंगे तो आपको मालूम होगा ये दो कैंडल इनसाइड रहा, ठीक है। ये बड़े वाले रेड कैंडल के अंदर ये दो कैंडल इनसाइड रहा, जैसे ब्रेक डाउन किया मैं आपको बताया था कि मार्केट इससे पहले नहीं रुकेगा, इस हाई से पहले रुकेगा नहीं, ये 32,500-600 का लेवल दिखेगा। मार्केट ने 32,400 का लो बनाया और रिवर्स किया है। अब मैं आपको इससे पहले कई दिन बताया हूँ दोस्तों, जब मार्केट लो बनाया तब यहाँ पर, कि 32,500 के लेवल को इतने आसानी से मार्केट ब्रेकडाउन नहीं करेगा। इसे ब्रेकडाउन करने के लिए मार्केट को यहाँ पर ट्रेड करना पड़ेगा, होल्ड करना पड़ेगा। चूंकि मार्केट एक अच्छा पैटर्न बनाया है अपर साइड जाने के लिए, तो हो सकता है मार्केट एक बार ऊपर घूमे और टॉप से नीचे आए, तो लोअर लेवल से मार्केट यहाँ तक जा सकता है। और जो पैटर्न बनाया है अभी इसके बारे में बात करूंगा, ठीक है। एक पैटर्न बनाया हुआ है हेड एंड शोल्डर पैटर्न आर्ली चार्ट में, तो इसका मूवमेंट भी लगभग इसके आसपास ही बन रहा है, ठीक है। 200-250 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है। तो अभी हम मार्केट में देख रहे हैं इनसाइड पैटर्न बनाया हुआ बैंक निफ्टी। मंथली चार्ट में देखें तो अभी मंथ शुरू हुआ है इसलिए ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन रेड कैंडल के अंदर इनसाइड हुआ है, मतलब हो रहा है। तो अभी रेड कैंडल मतलब पिछले मंथ में मार्च में मार्केट वीक रहा है, कमजोर रहा है, मार्केट अभी इसी रेंज में ट्रेड करना चाहिए। बहुत ज्यादा अपसाइड मूवमेंट अभी मैं नहीं देख रहा हूँ। मार्केट को बड़ा मूवमेंट आने के लिए दोस्तों इस तरीके से इनसाइड पैटर्न बनाना पड़ता है। इस रेड कैंडल को देख रहे हैं, ग्रीन कैंडल के इनसाइड हुआ है। कोई भी पैटर्न में बड़ा ब्रेकआउट आएगा उससे पहले इनसाइड मार्केट जरूर होगा, इनसाइड के बाद ही मार्केट में एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिलता है। तो ये हुआ बैंक निफ्टी का। अब देखते हैं निफ्टी में। निफ्टी में भी दोस्तों पैटर्न बहुत अच्छा बना हुआ है डेली चार्ट में देखें तो। वीकली चार्ट में देखें तो पिछले वीक के हायर एंड को ब्रेकआउट करने वाला है, अगर सही लेवल में ओपन होता है, लेवल अभी बात करेंगे, तो एक अच्छा मूवमेंट हमें अपर साइड में देखने को मिलेगा निफ्टी में, ठीक है। अगर आप मंथली चार्ट देखें तो पिछले मंथ में लॉन्ग लेग डोजी ये कंफ्यूजन कैंडल होता है, ये हायर एंड के ऊपर ब्रेकआउट होता है और लोअर एंड के नीचे ब्रेकडाउन होता है। तो अभी मंथ में शुरू हुआ है इसलिए बहुत पॉजिटिव हम यहाँ पे नहीं कर सकते, क्योंकि मार्च के मंथ में मार्केट कमजोर रहा है, ओके। तो ये हुआ मंथली और वीकली चार्ट। अब देखते हैं दोस्तों डेली में बैंक निफ्टी। डेली में बैंक निफ्टी देखें तो अब देखिए बैंक निफ्टी क्या किया, पहले ये लोअर साइड आया, इस पॉइंट को सपोर्ट लिया और ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, इस पॉइंट को सपोर्ट लिया है, मार्केट फर्स्ट टाइम इधर आया और फिर ये रिवर्स किया है, यहाँ भी नीचे जाना चाह रहा था फिर ऊपर चला गया है। तो अगर आप इसे आर्ली चार्ट में देखें, आर्ली चार्ट में देखें, मैं इसे एक घंटे के चार्ट में लेके आता हूँ और लाइन चार्ट में दिखाता हूँ। लाइन चार्ट में ऑलरेडी मैंने लास्ट वीडियो भी जो शेयर किया है आप लोगों के लिए, बैंक निफ्टी में कैसे पोजीशन बनाना है कल के दिन पे, ऑप्शन के लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी पोस्ट किया है, उसे आप देख लीजिए, ठीक है, कौन कौन सी स्ट्राइक प्राइस को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया हुआ है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ आप लोगों के लिए इस तरीके से, ओके। और इसमें ब्रेकआउट कैसे आएगा दोस्तों, इस पॉइंट के ऊपर आएगा, मतलब 34,000 के ऊपर। इस पॉइंट का लोग स्टॉप लॉस लगा के 33,200 का स्टॉप लगा के इसमें बाइंग करना चाहेंगे, ठीक है, स्विंग वाले, ओके। टारगेट इतना बड़ा मिलेगा, ये जितना बड़ा डेप्थ है, ये डेप्थ 1500 पॉइंट का है, तो अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट आता तो स्विंग में लोग पोजिशन बना के जाएंगे, अपर साइड में 1500 पॉइंट का मूवमेंट देखने को मिलेगा, मतलब 35,500 तक का, तो इधर तक का मूवमेंट हम यहां से देख सकते हैं अगर ये मार्केट ब्रेकआउट आता है तो। कल दोस्तों अगर मार्केट हमारे लेवल में ओपन हो जाए, ठीक है, अगर हमारे लेवल में ओपन होता है तो मैं आपको कैंडलिस्टिक पैटर्न में बताता हूं, ठीक है, इसे ध्यान रखिए। अगर मार्केट 34,000 के थोड़ा नीचे ओपन हो, 100-150 पॉइंट नीचे या इसी क्लोजिंग के आसपास ओपन हो, तो जैसे 34,000 के ऊपर ब्रेकआउट आता है आप 33,900 का 100 पॉइंट का एसएल लगा के इसमें बाइंग कर सकते हैं, एक बहुत बढ़िया मूवमेंट मिलेगा आपको 300-400 पॉइंट का नॉन स्टॉप अपर साइड में। 34,400-500 तक का एक बहुत स्पीड में मूवमेंट मिलेगा, 100 पॉइंट का एसएल लगाना पड़ेगा, आप इसमें कॉल भी बाइंग कर सकते हैं क्योंकि मूवमेंट स्पीड में आएगा, ठीक है, ऐसे कंडीशन में आप कॉल बाइंग कर सकते हैं, अच्छा मूवमेंट मिलेगा और कॉल
आप 34,100 या 34,200 किसी को भी सेलेक्ट कीजिए, लेकिन आपका कैश में स्टॉप लॉस रहेगा 33,900 का। तो इस स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें बाइंग करके जा सकते हैं दोस्तों। लेकिन मार्केट गैप अप ओपन हो जाएगा यहाँ पर, सपोज करो कि मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपन हो जाएगा, तो फिर वेट करेंगे यहाँ पर ट्रेड होने के लिए। मार्केट अगर इस टाइप का कोई पैटर्न बना के नीचे आता है तो इस भाव तक गिर सकता है, हम लोग यहाँ पर कोई कॉल शॉर्ट कर सकते हैं ऊपर का, ठीक है, मतलब 34,600 के आसपास, ठीक है। लेकिन उसके लिए वेट करना पड़ेगा, तुरंत मार्केट खुला और शॉर्ट मत कर दीजिएगा, ठीक है, कि चलो गैप अप ओपन हुआ है, गैप अप ओपन होने के बाद सर बोलते हैं नीचे जाएगा, ऐसा नहीं, पहले वेट करना पड़ेगा। एक दो कैंडल हम देखेंगे कि रेट बन रहा है क्या बन रहा है, फिर वहां पर पोजिशन बनाएंगे और इसका लेवल आपको टेलीग्राम चैनल में अपडेट करूंगा। दूसरा कंडीशन दोस्तों, अगर किसी कारण से मार्केट नीचे खुलता है, ठीक है, तो ए पॉइंट तक तो सपोर्ट बनेगा, कहां तक, 33,600 तक पॉइंट तो सपोर्ट बनेगा, फिर मार्केट यहां पर ट्रेड करना चाहेगा। लेकिन अगर 33,600 के बिलो ब्रेक करता है तब हम लोग इसमें शॉर्ट कर सकते हैं, 33,200 की तरफ इसमें मूवमेंट देखने को मिलेगा और इस कंडीशन में हम लोग 33,700 के आसपास के स्टॉप लॉस लगाएंगे। इसके अलावा अगर और कोई प्राइस एक्शन पैटर्न बनता है तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल में अपडेट करूंगा, नजर रखिएगा दोस्तों। और टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हैं। अब दोस्तों देखते हैं निफ्टी, निफ्टी का भी पैटर्न सेम है, बिल्कुल हायर एंड के आसपास जाके क्लोज किया है, ब्रेकआउट करने की तैयारी कर रहा है। अगर इसे भी आप लाइन चार्ट में देखें तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है निफ्टी में भी, ओके, आप इसे इसका फर्स्ट शोल्डर बनाएं, इसे सेकेंड, ठीक है, ये हेड हो गया और ये सेकेंड हो गया, ओके, तो इसमें एक इतना बड़ा मोमेंट देखने को मिलेगा। अगर आप निफ्टी में देखें तो ये पैटर्न कहाँ से कहाँ तक का है, मैं आपको यहाँ पर पॉइंट बताना चाहूँगा दोस्तों, देखिए कितना पॉइंट है इसका मूवमेंट का, लगभग 550 पॉइंट का मूवमेंट इसमें देखने को मिलेगा अपर साइड में। तो निफ्टी में ब्रेकआउट आ रहा है, निफ्टी में ब्रेकआउट आएगा इस पॉइंट के ऊपर, आप इस पॉइंट को कंसीडर कीजिए, ठीक है, मतलब इसमें ब्रेकआउट आएगा 14,900 कल के दिन पे अगर मार्केट इस आसपास में ओपन होता है, ठीक है, कल के दिन पे अगर 14,870-80 के आसपास ओपन होता है, मतलब जहां पे क्लोज किया है इस लेवल में ओपन होता है, तो एक अच्छा ब्रेकआउट आएगा। जिन लोग स्विंग का ट्रेड लेंगे दोस्तों 14,700 का स्टॉप लगाएंगे, 200 पॉइंट ऊपर ट्रेड लेंगे और लगभग 550 पॉइंट का टारगेट मिलेगा, 550 का टारगेट मतलब बोले तो 15,450 के आसपास तक का, तो एक अच्छा मोमेंट मिलेगा लोगों को अगर जिन लोग स्विंग में ट्रेड लेके जाएंगे। हमारे लिए ट्रेड क्या हो दोस्तों, मॉर्निंग में अगर यहाँ से ब्रेकआउट आता है, ठीक है, तो हम लोग इसे बाइंग करके जाएंगे 14,870-80 कोई भी भाव में ओपन हो जाए मार्केट। बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन होगा तो ट्रेड हमें वेट करने के बाद मिलेगा, तुरंत मिलेगा नहीं, चूंकि ठीक ऊपर में 100 पॉइंट के ऊपर में 15,000 का राउंड फिगर लेवल है, ये रेजिस्टेंस बनाएगा मार्केट इस पॉइंट के पास जाके। हमें ध्यान रखना है कि अगर इस लेवल में ओपन होता है तो हम लोग इसी क्लोजिंग का एसएल रखेंगे, ठीक है, और 900 के ऊपर बाइंग करना चाहेंगे। जैसे 14,900 के ऊपर जाता है बाइंग कर सकते हैं, 100 पॉइंट का बहुत अच्छा टारगेट मिलेगा। उस कंडीशन में आप अगर कॉल्स बाई करना चाहते हैं तो कॉल भी बाइंग करके जाएं, 14,900 या फिर 15,000 का भी बाइंग करें, दोनों में पैसा मिलेगा, ओके। लेकिन अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाए, अगर मार्केट 15,000 के आसपास गैप अप ओपन होता है तो पहले वेट करेंगे, एक आध कैंडल यहाँ पर कैसा पैटर्न बना रहा है, हो सकता है एक गैप अप ओपन हो, एक दो कैंडल ऊपर जाए, फिर कहीं पर कोई बेरिश कैंडल मिले, फिर एक्टिवेट हो, तो फिर हम लोग शॉर्ट का ट्रेड लेके जाएंगे। उस कंडीशन में ऊपर का 15,100 या 200 का कॉल शॉर्ट कर सकते हैं, अच्छा पैसा मिल सकता है, क्योंकि फ्राइडे छुट्टी था दोस्तों, ग्लोबल सिनेरियो अच्छा है, हो सकता है गैप अप ओपन हमें देखने को मिले, तो वेट करिए। अगर गैप अप ओपन होता है तो मार्केट नीचे आना चाहेगा और इस पॉइंट के आसपास अगेन मार्केट में रिवर्सल ट्रेड मिलेगा, मतलब अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, ऊपर से आप ट्रेड कर पाए ना कर पाए अलग मैटर, लेकिन नीचे से जब मार्केट रिवर्स करेगा तो यहां पर हम ट्रेड करेंगे, तो ऊपर से मार्केट को एक बार नीचे आने देंगे अगर गैप अप ओपन होता है तब, तो फिर नीचे से भी बाइंग कर सकते हैं। मतलब कल के दिन पे निफ्टी में एक अच्छा ट्रेड मिलेगा, चाहे ऊपर से मिले चाहे नीचे से मिले, ठीक है, एक अच्छा ट्रेड हम उम्मीद कर रहे हैं निफ्टी में। तो दोस्तों ये हुआ निफ्टी और बैंक निफ्टी का। निफ्टी में मैं देख रहा हूं कि आने वाले एक दो दिन में कंटिन्यू अपसाइड का ट्रेड हमें देखने को मिल सकता है, बुलिश ट्रेंड निफ्टी कंटिन्यू कर सकता है। तो दोस्तों ये हुआ निफ्टी और बैंक निफ्टी का। अब देखते हैं स्टॉक जिसमें हम कल ट्रेड कर सकते हैं। इन साइड टाइप का पैटर्न बहुत सारे स्टॉक में बने हैं, इसलिए मैंने ऐसे स्टॉक को ही सेलेक्ट किए हैं। रिलायंस इंडस्ट्री को देखिए तो ये भी इन साइड पैटर्न बना के यहाँ पर क्लोज किया हुआ है, इसके ब्रेकआउट जैसे आएगा दोस्तों हम इसमें बाइंग करेंगे। इसका बाइंग आएगा, इस स्टॉक में बाइंग आएगा 20-30 के ऊपर,
2020 का स्टॉपस लगाएंगे, इसमें हम बाइंग करके जा सकते हैं और 2060 तक का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। 10 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ इसमें हमें 30 पॉइंट का टारगेट हमें मिलेगा, अच्छा टारगेट मिलेगा। रिलायंस ने इसमें नजर रखेगा। अदानी इनका वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाया है दोस्तों, उसे आप देख लीजिएगा। इसे बाइंग करेंगे 1116 के ऊपर, एसएल रखेंगे 1095 का। ट्रेड इसमें 3-4% का बहुत स्पीड में देखने को मिलेगा। मॉर्निंग में ही प्री ओपनिंग सेशन में आप इसे अपने वास हिस्से में रखिएगा, अच्छा मोमेंट आएगा अपर साइड में। दोस्तों अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो आपका आईसीआईसी बैंक भी एक अच्छा मूवमेंट दिखा सकता है कल के दिन पे। ब्रेकआउट करने की तैयारी कर रहा है, अगर अपर साइड में निकलेगा राउंड फिगर के आसपास भी है तो 596 के ऊपर जैसे निकलता है इसमें अपर साइड का मूवमेंट 601 और फिर 606 की तरफ मूवमेंट देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस इसमें 590 का रखना पड़ेगा, अच्छा मूवमेंट मिलेगा आईसीआईसी बैंक नजर रखिएगा। दोस्तों अल्ट्रा टेक्सीमेट इस स्टॉक में भी एक अच्छा मूवमेंट हमें कल के दिन पे देखने को मिल सकता है। लाइफ टाइम हाई के ऊपर ब्रेकआउट कर रहा है, अगर ये ज्यादा गैप अप ओपन नहीं होता है तो हमें बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा। 6950 के बिलो ओपन हो, जैसे 6950 के ऊपर ब्रेकआउट आता है इसमें नया हाई बनना चाहिए, नया हाई 200-300 पॉइंट का, इसमें बहुत अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। पूरा इंफ्रा स्टॉक बहुत अच्छा मूवमेंट कर रहे हैं, उनमें से एक स्टॉक ये भी है, चाहे सीमेंट को देखिए चाहे आप मेटल को देखिए, सभी स्टॉक में बहुत अच्छा मूवमेंट आ रहा है। तो लोअर साइड में इसका 6900 का एसएल रख के 6950 के ऊपर बाइंग कर सकते हैं, 200-300 पॉइंट का मूवमेंट इसमें देखने को मिलेगा, बड़ा मूवमेंट आ सकता है। नजर रखिए बाजार भी अच्छा होना चाहिए, मतलब बाजार ज्यादा गैप अप ओपन हो जाए तो इस स्टॉक में भी ऊपर से दबाव मिल जाएगा। बाजार भी अगर सही लेवल में ओपन होता है ऊपर जाता है तो अल्ट्राटेक सीमेंट आपको एक अच्छा ट्रेड देके जा सकता है। टाटा पावर दोस्तों देखिए कई दिनों से यहाँ पर खड़ा हुआ है, ब्रेकआउट कर सकता है। अगर लाइन चार्ट में देखें तो डेली चार्ट में हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। और अगर कैंडल स्टिक चार्ट में देखें, देखिए थोड़ा सा प्राइस ऊपर नीचे दिखता है लाइन चार्ट और कैंडल स्टिक चार्ट में, तो देखिए इसे तो देखिए इसका ब्रेकआउट आएगा दोस्तों 106 के ऊपर, 106 के ऊपर ब्रेकआउट आएगा तो इतना बड़ा मूवमेंट मिलेगा इसमें लगभग 8 रुपए का, ठीक है। ये लेवल 97 का है और इसका ब्रेकआउट आ रहा है 106 के ऊपर, ठीक है। तो एक अच्छा मूवमेंट इसमें हमें देखने को मिल सकता है 7-8 रुपए का, मतलब इस हाई तक का, मतलब 115 के आसपास का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। इंट्राडे में भी एक अच्छा ट्रेड मिलेगा, अगर ये ब्रेकआउट करता है 106 के ऊपर तो 104 के स्टॉप लगा के 110 तक का कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो एक अच्छा मूवमेंट मिल सकता है कल के दिन पे। नजर रखेगा टाटा पावर्स को। साथ में दोस्तों बेल इस स्टॉक को भी नजर रखे, इनसाइड पैटर्न बनाया हुआ है, आर्ली चार्ट में देखें तो कंटिन्यू इनसाइड पैटर्न बनाया हुआ है, ठीक है। इसका ब्रेकआउट आएगा इस पॉइंट के ऊपर, जैसे ब्रेकआउट आता है 127 के ऊपर तो हम बाइंग करके जा सकते हैं, कंटिन्यू मूवमेंट कर सकता है 129-132 तक का मूवमेंट इसमें देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस 125 पर रखेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में ही तक, आई होप वीडियो पसंद आया हो, और वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।